पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वन लाइन हो गया है चालू। सो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे इस वीडियो में कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया है चालू कि नहीं। जो कि एक बार सबसे पहले वीडियो हम बनाए थे नाइट का वीडियो, उसमें आप लोग को कुछ बाइक आवागमन का जो है वीडियो भी दिखाए थे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, जो कि साइड में गांव के लोग हैं, 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में आते जाते रहते हैं। तो यहां 10 किलोमीटर तक कंप्लीट हो गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसा बात बता देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया है कम्प्लीट, आप लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहिचक। जो कि दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर आपका रोड जो कि लखनऊ से हैदरिया से लखनऊ से अगर आप डायरेक्ट गाजीपुर के हैदरिया तक जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात ये भी बता दें, आवागमन में आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत होगी आवागमन में, और बाकी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को थोड़ा सा जो है नीचे उतर के ऊपर के लिए ट्राई लेना चाहिए, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीच बीच में जो रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है, रेलवे पुल जो है कुछ ज़्यादा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ रहा है, इसी के वजह से अभी वो रेलवे पुल कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसी के वजह से अभी रेलवे पुल जो है वन लाइन कंप्लीट हो गया है। सिंपल ही आप लोग को हम बता देते हैं, लखनऊ से हैदरिया तक जो है, लखनऊ से जाने वाली रोड हैदरिया तक कंप्लीट हो गया। अगर आप हैदरिया से लखनऊ की तरफ आते हैं, तो आप लोग को जहां भी पुल मिलेगा रेलवे वाला, वो पुल कंप्लीट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बताएं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, लॉन्ग वीडियो।